एवरीवन वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर एक और वीडियो में। अब आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सारे अस्त्रों का देवता यानी कि ब्रह्मास्त्र के बारे में। सो फाइनली अब 2 वीक से भी कम का समय रह गया है तब मैग्नम ओपस ब्रह्मास्त्र को रिलीज होने में। आफ्टर 13 डेज इट विल बी रिलीजिंग, 9th of September इज द डेट। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है और हम सबको पता है कि ये प्रॉपर पैन इंडिया फिल्म है यानी कि हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये चारों ही लैंग्वेजेस में रिलीज होने वाली है और इसके साथ और भी कुछ लैंग्वेजेस में रिलीज डेफिनेटली होगी। लेकिन जितने भी साउथ लैंग्वेजेस हैं उनको प्रेजेंट कर रहे हैं द लेजेंड द मास्टर हिमसेल्फ यानी कि SS राजामौली साहब। और हम एक वीडियो में पहले बोले भी थे कि अगर SS राजामौली साहब इसको प्रेजेंट कर रहे हैं तो इसके प्रमोशन जो होंगे वो एकदम ग्रैंड स्केल में होंगे, फुल फ्लेज एकदम ऑल गन्स ब्लेजिंग, जैसा कि कुछ RRR में हुआ था। मतलब अलग ही माहौल पूरे देश में बना दिया था उन्होंने। लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा कुछ होते हुए नजर नहीं आया है, लेकिन अब आने वाला है शायद, क्योंकि अब बहुत ही एक ग्रैंड प्री रिलीज इवेंट इसका प्लान किया गया है हैदराबाद में ऑन 2nd of September। एंड गेस हु इज द चीफ गेस्ट ऑफ इट, द भीम यानी कि कोमराम भीम जूनियर NTR विल बी ग्रेसिंग दिस इवेंट एज द चीफ गेस्ट। और इसका आज अनाउंसमेंट हो चुका है, 2nd of September को शाम के 6 बजे से ये इवेंट होगा और रामोजी सिटी में होगा हैदराबाद में, तो काफी ग्रैंड होगा उस दिन। देखते हैं कि क्या क्या अपडेट्स वगैरह निकल के आएंगे, क्योंकि जनरली यहाँ पे टॉलीवुड में जब होते हैं प्री रिलीज इवेंट तो काफी ग्रैंड होते हैं और उसी इवेंट में आपको कुछ ना कुछ एक अलग भी चीज देखने को मिलता है, एक अपडेट या फिर एक कुछ फ्रेश सॉन्ग या फिर कुछ तो वहां पे लॉन्च होता है। तो सिर्फ और सिर्फ 1 वीक पहले ये इवेंट होने वाला है हैदराबाद में, जिसमें कि जूनियर NTR विल मीट द टीम ऑफ ब्रह्मास्त्र और वहां पे बहुत ही जबरदस्त होगा, बहुत ही मजा आएगा। आलिया भट्ट होंगे कि नहीं देखने वाला बात होगा, क्योंकि उन दोनों का केमिस्ट्री बहुत ही जबरदस्त, लोगों को पसंद आया था एट द टाइम ऑफ RRR। एंड फिर से एक बार SS राजामौली साहब जूनियर NTR एंड आलिया भट्ट हो सकता है री यूनाइट करते हुए आपको स्टेज पे दिखें। और इसको मास्टरवर्स का जो खिताब है वो दिया है, मतलब मास्टरवर्स किया है उन्होंने, क्योंकि द मैन ऑफ मास्टर्स जूनियर NTR विल बी ज्वाइनिंग द अस्त्रवर्स, तो मास्टरवर्स करके दिया है। और देखते हैं बाकी हिंदी में किस तरह से इसके प्रमोशंस होते हैं अभी रिसेंटली, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत मतलब कम कर रहे हैं वो लोग अभी के हिसाब से, क्योंकि 2 हफ्ते पहले आपको तो फुल फ्लेज प्रमोशंस हर जगह सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मास्त्र सुनाई देना चाहिए। सो मच इज राइडिंग ऑन योर फिल्म, सो और ज्यादा हमको लगता है कि प्रमोशंस इसके अच्छे से होना चाहिए। अब देखते हैं होंगे ही डेफिनेटली, क्योंकि सिटी टूर्स तो शुरू हो चुके हैं। आप कितने एक्साइटेड हो ब्रह्मास्त्र के लिए, इस इवेंट के लिए, जो भी आपके राय हैं, जो भी आपके थॉट्स हो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी अपडेट आए तो आपसे मिस नहीं हो। कुछ और बात करें, इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां भी मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।